हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंप्यूटर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 4 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द इंडियन आर्मी हैज सक्सेसफुली बिल्ट द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, मैत्री ब्रिज ओवर द इंडस रिवर इन द लेह लद्दाख रीजन। बिल्ट इन ए रिकॉर्ड टाइम ऑफ 40 डेज, मैत्री ब्रिज इज लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ओवर इंडस रिवर। द 260 फिट लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज वॉज बिल्ट बाई द कॉम्बैक्ट इंजीनियर्स बिलोंगिंग टू द साहस और योग्यता रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मीज फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स। भारतीय सेना ने लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज मैत्री ब्रिज बनाया है। 40 दिनों के रिकॉर्ड समय में निर्मित मैत्री ब्रिज सिंधु नदी पर बना सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। 260 फीट लंबे सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के साहस और योग्यता रेजिमेंट के लड़ाकू इंजीनियरों द्वारा किया गया है। कंदमाल हल्दी, ए वैरायटी ऑफ टर्मेरिक इंडिजीनियस टू साउथर्न ओडिशा, हैज अर्न द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दक्षिणी ओडिशा की एक किस्म की हल्दी की कंदमाल हल्दी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत बौद्धिक संपदा भारत से भौगोलिक संकेत GI टैग अर्जित किया है। नेक्स्ट, द सेंटर हैज सेट अप ए ट्रिब्यूनल हेडेड बाय जस्टिस चंद्रशेखर ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट टू एडजुडिकेट इफ देयर एग्जिस्ट सफिशियंट कॉज टू बैन द जमात ए इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर एंड द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यसीन मलिक फैकन। केंद्र ने जमात ए इस्लामी जम्मू और कश्मीर और जम्मू कश्मीर लिबरल फ्रंट यासीन मलिक गुट पर प्राप्त कारणों की मौजूदगी के बाद प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण की स्थापना की है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ISAT इज ऑर्गेनाइजिंग ए न्यू गैन मोबिलिटी समिट 2019 एट मानेसर NCR from 27th to 29th November 2019. The objective of the summit is to share new ideas, learning global experiences, innovation and future technology, trend for faster adoption, assimilation and development of advanced automotive technologies for a smarter and greener future. International Center for Automotive Technology 27 से 29 नवंबर 2019 तक मानेसर NCR में न्यू गैन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन कर रहा है। समिट का उद्देश्य नए विचारों, सीखो, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों और भविष्य की प्रौद्योगिकी के रुझानों को तेजी से अपनाने, आत्मसात करने और एक बेहतर भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमेटिव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भविष्य की तकनीक को साझा करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। जापान हैज अनाउंस्ड दैट द नेम ऑफ इट्स न्यू इंपेरियल एरा सेट टू बिगिन ऑन 1 मई विल बी रिवा सिग्निफाइंग एंड ऑर्डर एंड हारमोनी। द कंट्रीज करंट एरा हैसी विल एंड इन अप्रैल। जापान ने घोषणा की है कि 1 मई से शुरू होने वाले उनके नए शाही युग का नाम रिवा होगा। यह आदेश और सामंजस्य को दर्शाता है। देश का वर्तमान युग हैसी अप्रैल में समाप्त होगा। नेक्स्ट, अल्जीरियाज प्रेसिडेंट अब्दे लजीज बुट फिल्का हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट सीडिंग पावर इन द फेस ऑफ मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज 20 ईयर रूल।
अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बुटफ्लिका ने अपने 20 वर्ष के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सड़क विरोध प्रदर्शन के बीच तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाचारों की। साउथ कोरिया लॉन्चेज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली फ्लैग्ड 5G मोबाइल नेटवर्क। द सिस्टम विल ब्रिंग स्मार्टफोन्स नियर इंस्टेंटेनियस कनेक्टिविटी 20 टाइम्स फास्टर देन द एग्जिस्टिंग 4G, अलाउिंग यूजर्स टू डाउनलोड एंटायर मूवीज इन लेस देन ए सेकेंड। दक्षिणी कोरिया ने दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया। यह प्रणाली मौजूदा 4G की तुलना में 20 गुना तेजी से स्मार्टफोन को निकट संयोजी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगी, जिससे उपयोगकर्ता 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी फिल्म डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। द UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ निकोलस कॉमजियन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एज द हेड ऑफ द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र के प्रमुख के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के निकोलस कॉमजियान की नियुक्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक न्यूज अर्थव्यवस्था समाचारों की। द एशियन डेवलपमेंट बैंक डाउन ग्रेडेड इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया फॉर 2019 एज ग्लोबल रिस्क फ्रॉम आउट ट्रेड टेंशंस टू ब्रेक इट माउंट। अकॉर्डिंग टू द ADB's लेटेस्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया विल प्रोबेबली इंक्रीज बाई 7.2% इन 2019, डाउन फ्रॉम ए दिसंबर फोरकास्ट फॉर 7.6%। साउथ ईस्ट एशियाज ग्रोथ एस्टिमेट वाज लोअर्ड बाई 0.2% एशियाई विकास बैंक ने भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में 2019 के लिए आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को व्यापार तनाव से ब्रेक्सिट माउंट तक वैश्विक जोखिम के रूप में नीचे कर दिया है। ADB की नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद संभवत है 2019 में 7.2% की दर से बढ़ेगा, दिसंबर के पूर्वानुमान से नीचे 7.6% हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया के विकास का अनुमान 0.2% घटकर 4.9% हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पुस्तकों एवं लेखकों की। द इंडियन पब्लिशिंग कंपनी गरुदा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड लॉन्चेज इट्स बुक सैप्रोन स्वर्ड्स सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वर्ड्स रिटन बाई मनोसी सिन्हा रावल। इट इज ए बुक ऑन 52 अनसंग वॉरियर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द लास्ट 1300 ईयर्स। भारतीय प्रकाशन कंपनी गरुड़ प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी पुस्तक सैप्रेन स्वाडर्स सेंचुरीज ऑफ इंडिया रेसिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स का अनावरण किया। मनोसी सिन्हा रावल द्वारा लिखित यह पुस्तक पिछले 1300 वर्षों में भारत के 52 अनसुने योद्धाओं पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की। सौरव घोषाल बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वास प्लेयर टू एंटर द टॉप 10 इन लेटेस्ट प्रोफेशनल स्क्वास एसोसिएशन PSA वर्ल्ड रैंकिंग। सौरव घोषाल प्रोफेशनल स्क्वास एसोसिएशन की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वास खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज ऑप्टोरिज निधन। कार्तिक चंद्रा राठ ए वेटरन ड्रामेटिक थिएटर ऑर्गेनाइजर एंड इकोनॉमिक्स टीचर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70 इन कटक ओडिशा ड्यू टू द हार्ट अटैक। इन 1963 ही रोट द फर्स्ट प्ले टाइटल्ड ई देसा ई माती। नाट्य नाटककार थिएटर आयोजक और अर्थशास्त्र के प्रशिक्षक कार्तिक चंद्र रथ का दिल का दौरा पड़ने के कारण ओडिशा के कटक में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1963 में इन्होंने देश ई माटी शीर्षक के साथ पहला नाटक लिखा था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।